चार दोस्त थे, चारों बहुत पक्के दोस्त, हर जगह साथ में घूमने जाते थे, साथ में मस्ती करते थे। एक रात चारों दोस्तों ने मिलके जम के पार्टी करी। पार्टी करते करते सुबह हो गई, चारों अपने हॉस्टल के जो रूम था वहाँ पे जाके सो गए। सुबह उनका एक क्लासमेट टेस्ट था, लेकिन चारों ने पार्टी की थी इसलिए कोई तैयारी नहीं कर पाए थे वो लोग। चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम जाके टीचर से बात करेंगे। उन्होंने टीचर से जाके बात की कि कल रात को एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें महिला को बहुत चोट लगी थी और हमें उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिसके कारण बहुत लेट हो गया और हम रात को पढ़ाई नहीं कर पाए। टीचर ने उन्हें शाबाशी दी, कहा कि बहुत अच्छे, तुम लोगों की टेस्ट अब 3 दिन के बाद लेंगे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए और टेस्ट वाला दिन आया और पेपर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका नाम, 1 मार्क्स, आपने उस महिला को किस अस्पताल में एडमिट किया है, उसके 99 मार्क्स। और चारों दोस्त एक दूसरे की शक्ल देख के रोने लगे। दोस्तों, कहानी का हास्यास्पद है लेकिन बात सिर्फ कहने की इतनी है, हमेशा सच बोलिए, सच बोलना ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप एक झूठ बोलोगे, उस झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ और बोलने पड़ते हैं और उसी तरह से आप झूठे बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे फिर अगली कहानी के साथ।